बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कानपुर संरक्षण गृह मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती जी का बड़ा बयान। मायावती जी ने कहा कि यूपी में महिला सुरक्षा में सरकार उदासीन, लापरवाह। कानपुर मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग। आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि योगी राज में सर्व समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहा है उत्पीड़न और अन्याय। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अभी से कुछ ही देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है, कानपुर राजकीय संरक्षण गृह में काफी बहन बेटियों के कोरोना पॉजिटिव होने के साथ साथ कुछ के गर्भवती होने की जो खबर से सनसनी और चिंता की लहर दौड़ना स्वाभाविक है, जो पुनः स्थापित करता है कि यूपी में महिला सम्मान तो दूर, उनकी सुरक्षा के मामले में योगी सरकार उदासीन, लापरवाह और गैर जिम्मेदार बनी हुई है। इससे पहले आजमगढ़ में दलित समाज की बेटी के साथ अन्याय के मामले में जब सरकार ने सख्ती दिखाई तो ये लगा था कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सर्व समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहे लगातार उत्पीड़न वाली अप्रिय घटनाओं से स्पष्ट कर दिया कि आजमगढ़ में जो कार्रवाई की गई थी वो केवल मात्र एक अपवाद थी, ये सरकारी नीति का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं था। तो यानी कि बसपा अध्यक्ष मायावती जी ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए तमाम तरीके से योगी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने एक और ट्वीट करते हुए के जो है योगी सरकार पर निशाना साधा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती लिखा है कि बीएसपी मांग करती है कि यूपी सरकार कानपुर बालिका संरक्षण गृह के घटना की लिपापोती न करे, बल्कि गंभीरता से ले, इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही यूपी के सभी बालिका गृह के व्यवस्था में विलंब जरूरी मानवीय सुधार लाए तो बेहतर होगा। एपी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।